आर। अब अर्थ है उसकी रेडियस दी हुई है, ये अर्थ है ठीक है। अब थोड़ा अर्थ को बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाने की जरूरत है, एक मिनट ठीक है। हाँ, मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, समझना इसको। ये जो रेडियस है नहीं बताएगा मीन, तभी भी हम आर ही अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेंगे। मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज आर एंड इट्स एंगुलर स्पीड ऑन एक्सिस ओमेगा। अब ये खुद की अपनी एक्सिस पर ओमेगा से घूम रही है प्यारे बच्चों, ठीक है। अर्थ इज रोटेटिंग स्पिनिंग इट्स ऑन एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे जी है। व्हाट विल द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। आपको ध्यान देना है कि ये सेटेलाइट कोई नॉर्मल सेटेलाइट नहीं है यार, ठीक है। ये सेटेलाइट एक खास सेटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं जीएसएस, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का ऑर्बिट का रेडियस निकालना, स्मॉल आर निकालना यार। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, स्मॉल आर की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर मैं इसकी रेडियस लिखता हूं तो इस पे जो सेंटीपीटल फोर्स लगेगा उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वही प्रोवाइड करेगा। सेंटीपीटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंटीपीटल फोर्स इसके लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम ओवर आर, जी एम एम ओवर आर, ये होता आर का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एम ने एम को आर की पावर क्यू जो कि हमें बाद में चाहिए इज इक्वल टू जी एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये ओमेगा जी एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओमेगा है उसको मैं ओमेगा मैं लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई टी, ओमेगा मैं लिख सकता हूँ टू पाई टी। तो जी एम, अब देखो ये जो डेटा है वो तो मैं सेटेलाइट के लिए लिखा हूँ भाई, समझना है यहाँ बच्चे, डाउट होता है बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होता है बच्चों का। ये जो डेटा है सर आप सेटेलाइट के लिए लिखे हो, फिर अर्थ का ओमेगा क्यों डाल रहे हो, ठीक है। अर्थ का टाइम पीरियड क्यों डाल रहे हो, बिकॉज जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होने की वजह से जो इसका टाइम पीरियड अर्थ का है और इसके रोटेशन का टाइम पीरियड सेम होता है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और इसकी ओमेगा सेम होती है। अगर मैं अर्थ से इस सेटेलाइट को देखता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे रेस्ट में दिखाई देता है क्योंकि रिलेटिव ओमेगा जीरो होता है, आया समझ में। ये गेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें किसके टर्म में चाहिए, ओमेगा के टर्म में चाहिए, तो ये स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/3, दैट इज रेडियस आर, ठीक है। जी एम, अब इसको जी के टर्म में लिखना है तो जी, ठीक है। अब ये अर्थ का था, ये अर्थ का था, ये अर्थ का था, लेकिन यही क्या हो जाएगा, सेटेलाइट का भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है, ओमेगा सेम ही होगा, ठीक है। और थोड़े से स्लाइड कर, इसका मतलब ये हुआ जी स्मॉल जी के टर्म में लगना है, तो जी एम को लिख सकता हूँ जी आर स्क्वायर, ठीक है, जी आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जी आर स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर की पावर पावर भाई 1/3, ठीक है, तो ये पावर 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि जी आर स्क्वायर जी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/3, जी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जी एम इज इक्वल टू, हाँ जी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सॉल्व कर दो और गलत